हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेटिंग ऑल। और आज की ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है, बहुत सारे इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स के आपके फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह चल रहा है, कुछ के अभी होने जिनकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है उनकी बनाऊंगा। जैसे ही उनका नोटिफिकेशन आती है तो मैं आपको सबसे पहले नोटिफाई करूँगा वीडियो बना के। और तो इस वीडियो का जो मेन एम यही है कि आप ऐसे इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स जो हैं उनको देना मिस ना कर दें, केवल जेई मेंस में ही लगे रहें। तो वो मैं बताऊँगा वीडियो के एंड में भी, ज़रूरत क्यों है कि इन एग्ज़ाम्स को देने की और किस किस स्टूडेंट को देने चाहिए। सबसे पहले मैं ये बताऊं, जेईई मेंस आप सब दे रहे हैं, उसके अलावा बात करूंगा, और कोई ऑर्डर नहीं रहेगा। मतलब रैंडमली बोलूंगा, ऐसा नहीं है जो मैंने सबसे पहले बोला वो सब पे सब में से टॉप में, ऐसा नहीं है। तो ऐसी रैंडमली बोलूँगा, बोलता हूँ। तो सबसे पहला आपका एग्ज़ाम है वो आपका WBJEE का है, जेईई मेंस के बाद। तो ये एग्ज़ाम आपको ज़रूर देना चाहिए, वो मैं बताता हूँ क्यों। वैसे इससे आपको वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस भी मिलेंगे, वेस्ट बंगाल का एग्ज़ाम होता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम है। अब इसके बारे में बताऊँ, ऐसा नहीं है कि केवल वेस्ट बंगाल के दे सकते हैं, एग्ज़ाम कोई भी दे सकता है, थ्रू आउट द इंडिया कोई भी एक एग्ज़ाम इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है और कोई भी कॉलेज ले सकता है। वो बात अलग है, थोड़ा रिजर्वेशन होता है स्टेट वालों के लिए, तो वो बात अलग हुई। आप जिस स्टेट के होंगे आपको भी अपनी स्टेट में होगा। तो वेस्ट बंगाल का ये एग्ज़ाम है, इसमें जो टॉप कॉलेज वो मिलता है वो मैं आपको बता दूँ, जादवपुर यूनिवर्सिटी। ये कॉलेज जो है टॉप की IIT से कॉम्पीट करता है और बहुत हद तक उनसे भी टॉप पे है। मतलब वो मैं बताता हूँ क्यों, बहुत सारे स्टूडेंट्स की पहली पसंद होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि जो इसकी फ़ीस है, आप यहाँ से 4 साल की BTech कर सकते हो, वो भी बस आपका जो खर्चा आएगा वो 15 से 20 हज़ार रुपये आएगा। और मतलब हॉस्टल का होगा तो वो थोड़ा अलग हो सकता है, बाकी कॉलेज का जो खर्चा होगा वो खाली इतना होगा। तो आप समझ रहे हैं इतने सस्ते में BTech कहीं से भी नहीं होती, और IITs में तो आपका डेढ़ डेढ़ दो दो लाख फीस होती है, और हॉस्टल का लग रहा तो काफ़ी खर्चा होता है IITs NITs में। लेकिन जादवपुर यूनिवर्सिटी की एक खासियत है, और जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो एवरेज पैकेज में बात करूँ उसका 18-20 लाख ऐसा जाता है CS का, IT ब्रांच का, और भी ब्रांचेस का भी अच्छा जाता है। तो मतलब उसका पैकेज वगैरह, प्लेसमेंट, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो उसकी मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, अगर आपको इनमें से मैं जो भी बताऊँ कॉलेज वगैरह उसका कोई भी आपको रिव्यू देखना हो तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, एक प्ले लिस्ट है कॉलेज रिव्यू के नाम से, उसमें आपको मिल जाएंगे। जिस कॉलेज का नहीं मिले आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी वगैरह ऐसे अच्छे कॉलेज मिलते हैं, तो WBJEE का एग्ज़ाम हर स्टूडेंट को देना चाहिए, ये मैं सजेस्ट करूँगा, चाहे आपकी जे मीन्स की कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन क्यों ना हो। नेक्स्ट बात करते हैं, तो आपका बिट सेट का एग्ज़ाम है, बिट सेट का एग्ज़ाम भी आप सबको देना चाहिए। इससे आपको बिट्स पिलानी हैदराबाद या बिट्स गोवा मिलता है, इनमें से, इन तीनों कॉलेज में से बात करूँ, तीन कैंपस हैं इसके, पिलानी हैदराबाद गोवा, तीनों में जो पिलानी है वो नंबर वन माना जाता है, उसका उसकी प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छी होती है बिट्स पिलानी। लेकिन एक ही ड्रॉबैक है इस कॉलेज का जो सबको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इसकी जो फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फ़ीस होती है। अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो आप 4 साल की BTech करेंगे तो आपका 12 से 15 लाख रुपये, 16 लाख ऐसा खर्चा आता है, और लेकिन इसका इससे भी ज़्यादा आता है, इसका 20-22 लाख रुपये खर्चा आता है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉलेज है ये, इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, नहीं तो ये टॉप के IITs के साथ कॉम्पीट करता है, बस फीस की बात हटा दें तो। ये तो बिट्स का एग्जाम, बिट सेट का एग्ज़ाम भी आप सबको देना चाहिए, चाहे आपकी जे मेन्स की कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन हो, चाहे कितनी भी अच्छी ना हो, आपको बिट सेट का एग्ज़ाम देना ही देना है। नेक्स्ट बात करें, तो आपका कॉमेड के नाम का एग्ज़ाम होता है, कॉमेड के आपका, इससे आपके कर्नाटक के कॉलेजेस मिलते हैं। तो इससे आपको कर्नाटक के कॉलेज, जैसे मैं बताऊँ, RVCE मिलता है, RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, और बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और भी बहुत सारे कॉलेज हैं जो इससे आपको मिलते हैं। तो ये भी आपका काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है, ये भी आप सबको देना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, तो आपका VIT EEE एग्ज़ाम होता है, VIT वेलोर के बारे में आप सबने सुना होगा, वो कितना अच्छा कॉलेज है। तो इसका एग्ज़ाम होता है VIT EEE, तो इस एग्ज़ाम के थ्रू आपको उसमें एडमिशन मिलता है, तो ये भी आप सबको देना चाहिए। और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी SRM, VIT भी आपकी प्राइवेट है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, SRM भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसके काफ़ी सारे कैंपसेज हैं, और VIT का मैं मेन कैंपस हूँ ना, VIT के भी बहुत सारे कैंपस हैं, उसका वेलोर वाला मेन है और भी हैं दो तीन। SRM की बात करें तो SRM के काफ़ी सारे कैंपस हैं, SRM JEE इसका एग्ज़ाम होता है, और ऐसे ही आपका मणिपाल यूनिवर्सिटी है, मणिपाल यूनिवर्सिटी के भी काफ़ी सारे कैंपसेज हैं, और उसका भी एग्ज़ाम होता है मैट के नाम से, MET। तो ये सब एग्ज़ाम आपको देना चाहिए, जैसे SRM JEE हुआ, मणिपाल यूनिवर्सिटी का मैट हुआ, और आपका VIT EEE हुआ। नेक्स्ट बात करें, तो आपका एग्ज़ाम होता है KIIT, यानी कि कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, इसका एग्ज़ाम होता है KIIT EEE नाम से। तो ये जब एग्ज़ाम आपका, इसका एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, इनमें से किसी का भी निकलेगा, मैं आपको नोटिफाई ज़रूर करूँगा। और तो बाकी कुछ और एग्ज़ाम्स भी हैं जैसे कि मैं आपको बता दूँ, लेकिन उसकी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा जब नोटिफिकेशन आएगी। वो इतने ज़्यादा इन
इन इतने प्रेस्टिजियस कॉलेज या उससे नहीं मिलते। अगर आपको इनमें से भी कोई ना मिल रहा हो तो वो उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जैसे LPU वगैरह का एग्ज़ाम हुआ, MAT का हो, या किसी और वैसे कॉलेज की आप समझ रहे हैं ये। लेकिन जबकि बात है जब आपकी रैंक अच्छी नहीं आ पा रही है। लेकिन अब बात करें कि ये सारे एग्ज़ाम के फॉर्म आपको फिल करने की ज़रूरत है, इनकी एप्लीकेशन फ़ी भी होती है, 500 से 2000 हर एग्ज़ाम की होगी, लेकिन इतना आपको करना पड़ेगा एक बार। अगर मैं बात करूँ आपकी जेई मेंस की प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो आपको क्या करना है, फिर आप जेई मेंस दे सकते हो, WBJEE, BITSET इन एग्ज़ाम्स को दे दो, क्योंकि इनसे आप एक सेफ जोन में बने रहो, क्योंकि WBJEE को देना काफ़ी ज़रूरी है, उससे आपको जादवपुर मिल सकता है, जादवपुर बेस्ट कॉलेज होता है, बेस्ट कॉलेजेस में आता है। और आपका BITSET तो आप हर स्टूडेंट दे दे BITSET और WBJEE, जो जेई मेन्स से दे रहा है, ये दो एग्ज़ाम आपको देने ही चाहिए। उसके बाद आपको देखना चाहिए अपनी प्रिपरेशन, लेकिन उसके बाद भी मैं यही कहूँगा एग्ज़ाम्स आपको दे देने चाहिए इनमें से सारे ही, क्योंकि एग्ज़ाम्स एक आपका बैकअप बना रहता है, क्योंकि गलती से भी आपका जेई मेन्स में स्कोर मतलब थोड़ा सा नीचे हो गया तो वहाँ से आपको अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम्स आपको ज़रूर देने चाहिए। और इनके किसी भी इनमें से जो कॉलेज मिलते हैं किसी का भी आपको रिव्यू चाहिए हो, कंप्लीट सेपरेट वीडियो चाहिए, तो वो आप बता देना कमेंट सेक्शन में, बना दूंगा। और बाकी मैं आपको नोटिफाई करता रहूँगा जैसे भी और भी एग्ज़ाम्स के फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म निकलते रहेंगे। तो चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले डाउटनेट ने आप लोगों के लिए मैथ्स का ऐप और व्हाट्सअप फैसिलिटी दोनों प्रोवाइड कर रखी थी, जहाँ पे आप किसी भी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन देख सकते थे। तो अब डाउटनेट आप लोगों के लिए लाया है फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी यही सेम फैसिलिटी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का ऐप भी, और आप लोगों के लिए व्हाट्सअप वही व्हाट्सअप वाली फैसिलिटी जैसे कि मैथ्स की थी। तो आप व्हाट्सअप नंबर पे कोई भी अपनी वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का, तो चाहे वो क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो, इजी हो, बाकी मैथ्स की तरह ही। तो PCM तीनों के लिए ले आया है डाउटनेट आप लोगों के लिए वीडियो सॉल्यूशन देखने की ये फैसिलिटी। तो व्हाट्सअप नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, किस व्हाट्सअप नंबर पर आपको पूछना है, और बाकी लिंक भी मिल जाएगा आपको ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी जाके देखें और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं।